रायपुर जिला तिल्दा नेवरा में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में विभिन्न राजस्व से संबंधित मामले सामने आए। इनमें क्षेत्र में बेलगांव अवैध कब्जा एवं अवैध प्लास्टिंग का मामला प्रमुखता से सामने आया। जिला कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे सहित अन्य राजस्व से संबंधित अधिकारियों के समक्ष तहसील कार्यालय परिसर में आयोजित राजस्व शिविर में समाचार बनाए जाने तक लगभग 150 प्रकरण सामने आए हैं। इनमें से अवैध कब्जा एवं अवैध प्लास्टिंग का मुद्दा छाया रहा। तिल्दा नेवरा से अजय नेताम की रिपोर्ट। आज राजस्व शिविर में जो आप लोगों का आवेदन है, वो आवेदन संबंध आप लोग बताएंगे, आपकी क्या समस्या है, इस समस्या को लेकर आप यहाँ पर जानकारी देवे। अब आवेदन ला तो देख दिया, 2 साल हो गए है, मोर जमीन ला अपन बता के घूम आपके मन बेच दे है, और ऊपर ऊपर कोई कार्रवाई आज तक हुआ नहीं है। कलेक्टर के पास में अब SDM अपर कलेक्टर के पास में ना 2 साल से मैं आवेदन दे दे के थक गया हूँ। तो वहाँ अपराध पंजीबद्ध करे के आदेश तक आ गए, मगर आज तक अपराध पंजीबद्ध नहीं है। आवेदन थाना भी पहुँच गए, मगर ओकर बाद भी ना घूम आके पूरा संरक्षण देवत है। एमा राजस्व अधिकारी भी शामिल है, जेकर बारे में ऑर्डर शीट में कई जगह लिखे जा चुके हैं, और पूरा आवेदन मैं कलेक्टर साहब से दे चुके हैं। अब तक के कोई प्राथमिक कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, वो कार्रवाई केवल दिखावा के रूप में किए जाते हैं। आवेदन हो के कलेक्टर साहब, पिछले बार सौरभ सर जब यहाँ आए थे तो सौरभ सर बोले थे कि मैं बिल्कुल आपके प्रकरण में FIR करवाता हूँ और दोषियों के ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होगी, मगर 1 साल तक पूरा प्रकरण ले मन घूमे, और अंत में सर्वेश्वर भूरे के सर के माध्यम से FIR करे के आदेश हुई थी, मगर आदेश हो या 2 महीने हो गए, अभी तक अपराध पंजीबद्ध नहीं हुए हैं। अब घूम आप या यहाँ SDM कार्यालय में, तहसील कार्यालय में हर 2-3 दिन में आते और चाय नाश्ता करके जाते। ये मामला कहाँ के? ये मामला तिल्दा नेवरा ग्राम तुलसी के है। घूम आप या के लगभग कई जगह अवैध प्लाटिंग है, और ये संबंध में भी मैं शिकायत कर चुकी हूँ, मगर पूरा कार्रवाई धीमी गति से चला था। आपकी क्या समस्या? हमारी ये समस्या भी है, मैं सासावली वार्ड क्रमांक 2 निवासी हूँ। वो घर के ऊपर से 3 फेस वायर गया हुआ है, और वो अब हवा पानी बार बार गिर गए, बिजली ऑफिस में गिरे हुए हैं, वो बस बोलते बस हाँ ठीक है बदली करवा देंगे करके, तो आवेदन दे रहे हैं 1-2 बार, कोई ध्यान ही नहीं दी से, अभी फिर हवा पानी गई तो गिर गए भैया, तो गाय बाल बच्चा मन सब खेला दी थे, वहाँ करीब 8-10 घर प्रभावित हवा है, और सब परेशान हम 3-4 टुकड़ा होकर गिर गए थे, तो वो काय वो मसीदा इतनी लंबन है, केबल डलवा की जरूरत है, और बस हम का केबल डलवा दी तो जान माल की जो हानि सुरक्षा है वो सब बच जाएगी। और तो बिजली ऑफिस वालों में कहना का है? अब कहना ये है, अब वो कई की बात घुमाते लेना सर मन से बात कर वो इसी के, अब हम मन काम बूता वाले आदमी अनुते ध्यान देवन नहीं। ये मामला कब के? ये तो अब बहुत दिन हो गए वाला खंभा लगे। कब बोले? 1 साल हो गए? हाँ 1 साल हो गए। समस्या के दो तीन बार बात रखे में है, हाँ कोई ध्यान ही नहीं दी, तब अभी 4-5 दिन पहले फिर गिर गई से, तो अभी आज की बात है, अभी 4-5 दिन पहले मैं है ना बिजली ऑफिस से फ़ोन लगा रहे हूँ, तो 5 दिन तक की कोई आवे नहीं करी, मोर घर के छत के ऊपर में गिर गई रही वायर, अब 3 फेस वायर, तो बच्चा मन खेलत रही से, तो मैं बोले भाई 4-5 बार लगाए बिजली ऑफिस में, तो बोलते भाई आबो आबो की के, और यहाँ के जो JE साहब है कोई बोला भी, मैं वो नंबर दी से बोला भी लगाया, तो भी बोली मैं भेजा था सिटी के, तो 4-5 दिन भेजी नहीं है, तो आज मैं बोले आज कलेक्टर साहब आही और वो कर जगह मैं जाऊँ भाई शिकायत करूँ, आप मन नहीं आओ तो कल कुछ हो गए जान माल के नुकसान हो गए, तो ओकर जिम्मेदारी आप मरे हूँ, तो हमार मतलब ये कहने कि वो वायर तो बार बार गिरी जाते ओला हटा के वो मैं सीधा एक ठीक केबल वायर डाल दी बस बिजली विभाग से। सर तिल्दा नेवरा में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग जारी है जिसमें कोई कार्रवाई नहीं। अवैध प्लाटिंग के संबंध में 2 प्रकार से कार्य होता है, यदि नगरी क्षेत्र का है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो नगर पालिका के CMO होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 और कॉलोनाइजर निर्बंधन अधिनियम के तहत जो है वो SDO कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके द्वारा अवैध प्लाटिंग में कार्रवाई की जाती है। एहतियात के तौर पर उनके रिपोर्ट पर हम लोग जो है वो खरीदी बिक्री पर रोकने की भी कार्रवाई करते हैं। इसमें और कई भेजा कब्जा है सर तिल्दा नेवरा में, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं है, कई शिकायत कर चुके हैं परिसर, उसके बाद भी कोई शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं है। भेजा कब्जा पे भी अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोग शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है इसका हम पता लगा। और प्लॉटिंग भी ग्रामीण में भी है सर, क्या ग्रामीण में बराबर हमारे पास रिपोर्ट आ रहा है, जैसे तंडवा का भी अभी आप देखें अभी आया था जिसमें हम लोग खरीदी बिक्री पर रोक लगाए हैं, तो एहतियात के तौर पर हम खरीदी बिक्री पर रोक लगाते हैं, पर अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।
इसमें बैसर का भी नाम है सर, और जेबी होम के पास अभी एक धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग जारी है। अभी हम पता लगाते हैं कि वहाँ पे खसरा प्लाटिंग के लिए दिया गया है। एसडीएम साहब को पूरी जानकारी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ठीक है।